तहसील पुलिस ने राशन का चावल लाद कर जा रही महिंद्रा पिकअप मालवाहक वाहन को पकड़ा। वाहन से 3 टन चावल पकड़ा गया। पुलिस ने वाहन चालक मोहम्मद अंसारी और कंडक्टर मोंटू उर्फ हितेंद्र साहू को दर दबोचा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 11 बजे के दरमियान तहसील के वरिष्ठ थानेदार जयेश भंडारकर को गुप्त सूचना मिली कि एक महिंद्रा पिकअप मालवाहक वाहन में राशनिंग अनाज की कालाबाजारी हो रही है। तहसील पुलिस के दस्ते ने महिंद्रा पिकअप मालवाहक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन में राशन का चावल लदा होने की बात सच निकली। उक्त वाहन को थाने ले जाया गया। चालक मोहम्मद अंसारी और कंडक्टर मोंटू उर्फ हितेंद्र शाहू से पूछताछ की गई। दोनों ने बताया कि वे अंबाजरी इलाके से राशन का यह चावल कलमना में पहुंचा जा रहा था। पुलिस ने एक ट्रक में लदे 3 टन चावल को जब्त करने के बाद FD को सूचित किया। आज दिनांक 27/10/2021 रोज को सवेरे API बाबुल और उनका पतक पेट्रोलिंग कर रहा था, तब सीए रोड पे उनको अंबाजरी से कड़ाना जाते हुए एक अशोक लेलैंड की मेटाडोर गाड़ी सफ़ेद रंग की संशयास्पद स्थिति में मिली। गाड़ी में रोका, तब गाड़ी में ड्राइवर सैयद इरफान अली वर्द सैयद आजम अली उम्र 28 साल इटाभट्टी चौक धम्मदीप नगर PS यशोदा नगर और गाड़ी में क्लीनर हिरेंद्र उर्फ मोटू भूषणलाल शाहू उम्र 21 साल इटाभट्टी चौक धम्मदीप नगर PS यशोदा नगर बैठे थे। गाड़ी का सर्च किए तो गाड़ी के पीछे मेटाडोर में कुल गवर्नमेंट के राशन के 70 बोरे कुल 3 टन चावल बिना कागज पत्र से प्राप्त हुआ। हमारे पतक API बाबुल को इसमें शंका है कि ये गवर्नमेंट का राशन का चावल होगा, इसलिए उसको पुलिस हथ में पुलिस स्टेशन तहसील में ला के जब्त ही है। और अभी फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर इनको लेटर दिया है और उनको जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएंगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।